सत्संग विवेक न होई अरामो अपने पापी सुला हो। महाराज सत्संग चाहिए तो सत्संग भी बिना राम जी की कृपा के प्राप्त होने वाला नहीं है। अब कोई मार्ग हो तो निकालो ब्राह्मण दूंगा। चलिए पूछा देखो कहा कि अगर हम कहेंगे तो बछिया पूजा हो जाएगी। ये पता नहीं कि तुम्हारे यहाँ बछिया हर महीना पूजाते हैं, ये पता नहीं है इसे क्या बताया जाए। कहाँ का कहाँ बताया खड़े हो महाराज? वही तो कह रहा हूँ कि बछिया पूजाने वाले आज हमारे सामने ना आए। भाई बछिया पूजाओ, बछिया पूजाने वाले के सामने ना आए हो तो ना मुझे सुनो लखनलाल। कहा चाहे ना कहो, जिंदा रहो चाहे मर जाओ,
तो हम परशुराम कहीं नहीं जाएंगे। अभी बताता अभी जताता फिर आई तो जाऊंगा तो लड़का हो ये थी ध्यान न लाऊंगा मैं फिर जाऊंगा काल तुम्हारा रुक रुक फिर खा लूंगा हाथ में मिथिलापुर की धरती में पटक देखता नहीं एक भी प्रवेश तो छबर में मृत खा देता मान निकाल लेता मुझे फैसे की याद दिला देता चिंता द्वार फंसा करके घनघोर दिखा देगा और उछल उछल का परस चलाना मुझे सुबह और फिर बताता अभी जरा का फिर नहीं सुन जाऊंगा लखन लाल तुम लड़का हो ये भी ध्यान न लाऊंगा महाराज मेरा जीवन दर्शन कैसा है समझे वैसी मैं कर्मवीर हूँ कर्मवीर मैं कर्मवीर हूँ कर्मवीर कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर ये आया कर्म विधान लिए मैं आया कर्म विधान लिए अब ज्वालामुखी शहर से निकली अंगारों का पान किए हम सूर्यों से घिरे पंथ पर हम सूर्यों से घिरे पंथ पर महाराज जिस अवस्था में बालक अपने भवन में खेलते हैं उस अवस्था में हम होने के पथरीले कतरीले रास्तों पर चल पड़ते हैं उस अवस्था में हम बन के कतरीले पथरीले रास्तों पर चल पड़ते हैं तभी तो मैं कहता हूं मैं कर्मवीर हूं कर्म धरा पर ये आया कर्म विधान लिए अब ज्वालामुखी शैल से निकली अंगारों का पान के हम सूलों से घिरे पंथ पर ये हंस हंस कर चलने वाले हम प्रज्वलित धड़कती ज्वाला में प्रज्वलित धड़कती ज्वाला में निज प्राणाहुत देने वाले हुंकारों से फटते पहाड़ चूर करने वाले अंधड़के 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 धड़ सक जाते अंधड़के